एक पार्किंग ये है, एक बड़ी पार्किंग और है मलिताल वाले एरिया में ही, वहीं को चलते हैं। मुझे भी यार पीछे से कोई गाड़ी वाला कह रहा है भाई साइड हो जा। इस बोट स्टैंड की ना मुझे एंट्रेंस ही बड़ी गजब लगती है ऐसे। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मैं हूँ रोहित, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वक्त मैं हूँ नगर पालिका के पीछे, शहर में भाई बम्पर भीड़ हो रही है, भयानक तरीके से ट्रैफिक हो रहा है। ईस्टर हॉलीडेज चल रहे हैं, वीकेंड आ रहा है, तो किस तरीके का माहौल रहने वाला है उस पर बात करते हैं, कैसा वेदर रहेगा और इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामने से भी गाड़ियां आ ही जा रही हैं शहर के अंदर, और यहां से भी गाड़ियां आ ही जा रही हैं। तो इतनी कार आ रही हैं, तो कार पार्किंग के रिगार्डिंग मेरे पास क्वेरी आ रही थी, तो अभी हम कार पार्किंग की तरफ को भी चलेंगे, बाकी होटल रेट्स के ऊपर भी बात करेंगे और मौसम पर भी बात करनी ही है। आज के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 19 डिग्री के आसपास दिन में, और शाम को 7 डिग्री के आसपास जा रहा है। तो दिन में तो यार धूप है और गर्मी भी हो रही है, लेकिन शाम को ठंड हो जा रही है, तो शाम को जैकेट चाहिए या मोटा वाला स्वेटर तो अभी भी चाहिए। ये रही यहाँ की मस्जिद, और एक तो मस्जिद के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से कार पार्किंग है, हमारा उजाला दिख रहा है, DSA फ्लैट्स जो उसके उधर को है। तो एक पार्किंग ये है, एक बड़ी पार्किंग और है मलिताल वाले एरिया में ही, वहीं को चलते हैं। फिलहाल इसका लैंडमार्क है कि आर्य समाज मंदिर के ठीक सामने वाली पार्किंग एक ये रही। दूसरी जो मेन पार्किंग है DSA फ्लैट्स की, उसकी तरफ को जा रहे हैं, वो पार्किंग भी देख ली जाए। जो दूसरी कार पार्किंग है वो ये रही, मेन कार पार्किंग मलिताल वाला एरिया DSA फ्लैट्स, इसका लैंडमार्क मस्जिद है। मस्जिद के ठीक सामने ही इस टाइप से बड़ी सी पार्किंग दिख जाएगी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, कार भी लगातार आई जा रही है। पार्किंग का शुल्क जो है वो 118 रुपये करीब है, मतलब GST मिलाकर तभी 118 रुपये है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ज़्यादा या कम नहीं मांगे जाएंगे, जितना है उतना ही है। तो मैं मेन कार पार्किंग जो है वहीं पर को ही पहुँच गया हूँ, अब यहीं से चलते हैं आगे को और घूमते हैं। ये रहा यहाँ का फुटपाथ वाला एरिया, बाकी दुकानें सज गई हैं, और ये यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट ये भी ख़रीद सकते हो चाहो तो यहाँ से। खैर यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट है ना वो ज़रूर ख़रीदना यार, चाहे वो यहाँ के कैंडल्स हों, चाहे इस तरीके से मैंने दिखाया हो। इस वक्त ना ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है ना, उसका भी एक अलग ही आनंद आ रहा है, और मार्केट में घूमने का ये जो फुटपाथ वाला एरिया है अभी अलग ही मज़ा आता है खैर घूमने में। अभी इसका चलो चलते हैं लेक साइड की तरफ को। यहाँ से आगे तक देखो तो भीड़ ही भीड़ दिख रही है। मैं तो पहुँच चुका हूँ यहाँ का जो कैपिटल सिनेमा है वहाँ की तरफ, अभी चलो पहले वहीं को चलते हैं, फिर वहीं से लेक साइड की तरफ को भी चलेंगे। मूवी क्या लगी है भोला? तो ठीक इसके बगल में ही ना यहाँ पर कुछ चिल्ड्रंस पार्क भी है जो कि बंद है एज़ यूजुअल। ये पता नहीं कब सही होगा, पता नहीं, बढ़ेगी नैनीताल आते होगा टाइम स्पेंड करना है, तो यहाँ पर सिनेमा हॉल भी है, तो फोटोग्राफी भी, मतलब फोटोग्राफी क्या, फिल्म भी देखी जा सकती है। वैसे ऐसा था यार यहाँ पर ना बहुत सालों तक सिनेमा हॉल बंद रहा, मतलब 10-15 साल तक ऐसा रहा कि सिनेमा हॉल ही बंद है यार। अब जाके खुला है, मतलब 5-6 साल हो चुके हैं, और अब अच्छा ही है यार, एटलीस्ट सिनेमा हॉल खुल चुका है। तो हम लोग चलते हैं बिल्कुल एक और बोट स्टैंड जो है, ये एक तो खैर वीडियो गेम पार्लर है और जूमलैंड वाला एरिया है पूरा। यहीं पर जो बैटरी रिक्शाज हैं वो यहीं पर आके चार्ज होते हैं, और रिक्शा स्टैंड टाइप भी है यहीं पर, को रात को सारे रिक्शा खड़े होते हैं। तो ये है पैडल बोट स्टैंड। इस बोट स्टैंड की ना मुझे एंट्रेंस ही बड़ी गजब लगती है, ऐसे उतरो बिल्कुल और सामने नैनीताल लेक देखो, क्या मस्त हो रहा है यार। एक भी क्लाउड इस वक्त तो नहीं दिख रहा है, ब्लू स्काई, वाह अद्भुत नज़ारा है यार, क्या बात है। खैर इस नज़ारे को देखने के लिए ना लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं इस शहर को देखने के लिए, वाह यार क्या बात है। इस तस्वीर को देखकर या इस नज़ारे को देखकर एक शेर याद आ गया कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, के गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, के चले भी आओ के गुलशनों का कारोबार चले। यहाँ पर को ये रोइंग बोट नहीं मिलती है, यहाँ पर को ये पैडल बोट स्टैंड है, तो इस टाइप की बोट्स मिलेंगी। यही वही रेट वही है, देखो 4 सीटर जो है इसका 420 रुपये है, और यहाँ पर 2 सीटर भी है क्या, दिखाता हूँ मैं। ये तो ये भी 4 सीटर, अच्छा 2 सीटर उधर को है, तो 320 रुपये करीब उसका पड़ता है, और एक एक घंटे के लिए मिल जाती है। यहाँ फुल राउंड हाफ राउंड वाला सीन नहीं है, बस सीटर के हिसाब से इसमें 4 जने बैठ सकते हैं। वो उधर बतख वाली जो है उधर को, उसमें 2 जने बैठ सकते हैं, 320 और 420 रेट। हम दोबारा से आ चुके हैं फुटपाथ वाला एरिया में, और जा रहे हैं सीधे मॉल रोड की तरफ को। खैर कैसे यहाँ से अगर मुड़ जाएंगे तो आगे जाके माँ नैना देवी टेम्पल है, तो हम उधर को नहीं जा रहे हैं आज, हम सीधे चल रहे हैं अपना मॉल रोड। थोड़ा होटल पे भी बात कर लेंगे वहाँ जाके क्या रेट चल रहे हैं। जैसे अगर नैनीताल के सीज़न की बात करी जाए ना, तो 15 अप्रैल से यहाँ का सीज़न जो है शुरू हो जाएगा, मतलब सीज़न जो अपने उफान पर आ जाएगा, फिर भीषण वाली भयंकर वाली भीड़ रहने वाली है।
वैसे भीड़ तो अब भी दिख रही है, लेकिन और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी और वो जुलाई तक रहता है। वैसे 15 जुलाई तक, फिर उसके बाद बरसातें भी लग जाती हैं, तो वहाँ तक रहने वाला है पूरा सीज़न। तो आ रहे होगे तो भाई सीज़न में भी तो भीषण भीड़ मिलने वाली है यहाँ पर। हम आ गए मॉल रोड में, ये रहा मल्लीताल वाला एरिया, यहीं से आगे को जाके मॉल रोड शुरू होती है और लोअर मॉल रोड में तो कार्स ही कार्स दिख रही हैं। हमें रोड को क्रॉस करना है तो थोड़ा सा भीड़ कुछ ज़्यादा ही है यार, गाड़ियाँ आए जा रही हैं तो दाएँ या बाएँ देखना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा जान जोखिम में डाल के। यार कोई जान जोखिम नहीं डाली, बस क्रॉस कर लिया, ऐसा भी नहीं है। बाकी अब होटल रेट पर भी बात कर लेते हैं कि अगर मुझे क्वेरी आ रही थी कि मॉल रोड में यार क्या रेट पर होटल इस बीच मिलेंगे। देखो ये शनिवार इतवार आ रहे हो ना तो भीड़ मिलने वाली है, 2000 रुपये के आसपास होटल का रेट शुरू होगा। फॉर्चुनेट रहे तो 1500 रुपये में भी मॉल रोड पे होटल मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत खान तलाशी टाइप करने पड़ेगी। बहुत से लोग मिल भी जाते हैं ऐसे ही घूमते हुए यहीं पर कोई, कि आप ही को पकड़ लेंगे सर आपको होटल चाहिएगा, उन लोगों का पूरा भरोसा करा जा सकता है, यहीं के जेन्युइन लोग होते हैं और आपको इजीली होटल वो आपको ले जाएंगे। मतलब ये 5-6 होटल दिखा देंगे आपको, आपके हिसाब से मतलब जो रेट में चाहिए यार मिल जाता है, इन्हीं के थ्रू से मिल जाएगा। क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे मुझे पता है कि यार होटल चाहिए यार कैसे मिलेगा, हम भटक तो नहीं जाएंगे। नैनीताल शहर बहुत सरल शहर है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भटकोगे यार। कार्स वाला माहौल जो है ना ये अभी दिख रहा है, ये अब न्यू नॉर्मल टाइप हो जाएगा। मुझे भी यार पीछे से कोई गाड़ी वाला कह रहा है भाई साइड हो जा। अरे यार निकल तो रहे हैं यार, सब निकल रहे हैं, टी करे जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये न्यू नॉर्मल हो जाता है यार इस बीच, तो कह रहा हूँ 2 महीने ऐसा ही कुछ रहने वाला है माहौल। बाकी हम लोग रिक्शा स्टैंड पर आ चुके हैं, यहाँ का रिक्शा स्टैंड ये रहा। रिक्शा स्टैंड में क्या कहते हैं, रिक्शे के लिए लाइन लगाने पड़ती है। ई रिक्शाज भी मिलेंगे, मैनुअल रिक्शा भी दिख नहीं रहा उधर को खड़े हुए मैनुअल रिक्शाज। तो यहाँ तल्लीताल से मल्लीताल या मल्लीताल से तल्लीताल जहाँ भी जाना है यार लाइन लगानी ही पड़ेगी रिक्शा के लिए। एक चीज़ है ना जो टूरिस्ट मिस कर देते हैं, हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लोग रोप वे घूमने आते हैं ना उन्हें पता ही नहीं लगता रोप वे कहाँ है यार। देखो सीधा सा मैं बता रहा हूँ उसका लोकेशन, ये इस तरीके से चॉकलेट रूम दिख रहा है या कैफ़े हिमालय के ना बगल में, ये जो गली सी जा रही ना यहाँ, अभी हम अंदर को चल ही रहे हैं तो रोड क्रॉस कर लें यार, रोड क्रॉस आज बहुत बार करने पड़ जा रही है। तो ये जो गली अंदर को जा रही है यहीं से आगे को जाके रोप वे है और इसके बगल में ही देखो ऑक्टा स्टोर टाइप है, ऑक्टेव स्टोर है जो भी है। तो ये जो जा रही है अंदर को, यहाँ से एक रहा कैफ़े हिमालय, इसके ठीक बगल में ये जो जा रहा है, यहाँ से ठीक अंदर को चले आओगे ना ये रोप वे का रास्ता शुरू हो जाता है। इन्होंने अपनी एंट्रेंस पता ही कैसी बना रखी है यार, इन्हें मतलब थोड़ा बहुत तो काम करना ही चाहिए क्योंकि टूरिस्ट को पता ही नहीं लगता कहाँ पर कोई रोप वे। ये रहा देखो, दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना जरूर। कोई क्वेरी होगी तो टेक्स्ट कर देना, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टेरा पशुमा।